अहमदाबाद में एक नाबालिग ने फुटपाथ पर सो रहे 7 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। अहमदाबाद में बेलगाम रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने 6 लोगों को कुचला। नाबालिग चला रहा था कार। ये तस्वीर अहमदाबाद के दालिनी मड़ा इलाके की है। इन झोपड़ियों को देखकर लगता है मानो यहाँ से तूफान गुजरा हो। जी हाँ, इस कार ने इन झोपड़ियों में टक्कर मारी तो ये किसी तूफान से कम नहीं था। बुधवार सुबह जब बस्ती के ज्यादातर लोग सो रहे थे, तभी इस बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रहे 7 लोगों को कुचल दिया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि 10 झोपड़ियों को टक्कर मारने के बाद ही रुकी। चश्मदीदों के मुताबिक कार 13-14 साल का लड़का चला रहा था। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हादसे के बाद नाबालिग भाग निकला, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। एक लेडी है और एक जेंट्स है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और बाकी के जो 5 आदमी है वो इंजर हुए हैं, उनकी हर सार्वर चालू है। कि अगर उसके वाली या पिता के नॉलेज में अगर ये चीज़ है तो हम उसके अगेंस्ट में भी कार्यवाही करेंगे, उसका 100% उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हादसे से पूरा इलाका सकते में है। नाबालिग के घर वालों का कहना है कि उन्हें पता नहीं कि लड़का कब गाड़ी लेकर निकल गया। सवाल उठता है कि इस हादसे का गुनहगार नाबालिग है या फिर उसके माँ बाप। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।